रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी है और अपने रॉयल संस्थान के द्वारा लाइव क्लासेज लगाने का डिसीज़न लिया गया। लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके दिमाग में ये है कि क्या 2.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स लाइव पढ़ाना संभव है, क्या ऐसा वास्तव में हो पाएगा। तो मैंने 75 डेज की जगह 60 डेज काउंट किए हैं कि क्या कृषि पर्यवेक्षक का पूरा पाठ्यक्रम लाइव क्लासेस द्वारा 60 दिन में संभव है। बिल्कुल संभव है। दूसरा, कई बच्चों के ये डेट आने से कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि सर अब कैसे करेंगे, गिनती के दिन है, मैं कैसे कवर करूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में दोनों पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहले कि क्या 60 दिन में लाइव क्लासेज के द्वारा कोर्स कंप्लीट होना पॉसिबल है, और दूसरा उस पॉइंट पे बात करूंगा कि क्या 18 जुलाई को एग्जाम हो तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्या मैं दौड़ में शामिल हूं। इन दोनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से पूरे वीडियो को आप देखिए। सबसे पहले अपन यूं देखते हैं कि यदि ऑफलाइन बैच चले और सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाए, इधर मैं पढ़ाऊं सबसे पहले, मैटर को समझाऊं, फिर आपको बोल के लिखाऊं और आप अपना रजिस्टर बनाओ, तो कृषि पर्यवेक्षक का कितने घंटे का कोर्स है। इसमें 7 सब्जेक्ट है, अपन अपन ऐड कर लेते। जैसे मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी की, किसकी, एग्रोनॉमी की, तो ये आपका लगभग 100 क्लास का सिलेबस है। मैं बात करता हूं हॉर्टिकल्चर की, तो ये आपका लगभग, हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो ये 60 क्लास का सिलेबस है। अगर बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो ये आपका 50 क्लास का सिलेबस है। अगर अपन बात करते हैं हिंदी की, तो यूं मान लो 40 क्लास का सिलेबस है। अगर बात करते हैं अपन ज्योग्राफी की, तो आपका 20 क्लास का, अराउंड 25 क्लास का सिलेबस है। अगर बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो यह आपका लगभग 75 क्लास का सिलेबस है। और बात करते हैं हिस्ट्री की, तो यह अराउंड आपका लगभग 30 क्लास का सिलेबस है ऑफलाइन बैच का। जब आप सामने बैठे रहो, गुरुजी आपको समझाएंगे, फिर आप नोट करोगे। तो इसकी जब अगर आप टोटलिंग करते हो तो लगभग इसकी 400 क्लास आती है, अपन यूँ मान लेते हैं, ऐड करके देख लेना आप, ठीक है। यूँ मान लेते हैं कि ये 400 क्लास का सिलेबस है। आज अगर आप रॉयल ऐप पे पता करोगे, जिन बच्चों ने हमारा ऐप ले रखा है उस पर आप देखोगे, तो आज की डेट में सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स वहाँ अवेलेबल है। और उस पर आप देख लो अपने मोबाइल के अंदर, अभी 8% 568 प्लस वीडियो मिलेंगे, 568 अभी 8% 568। तो कि सर 400 की जगह 568 कैसे, उसका कारण ये है कि जैसे एग्रोनॉमी हमारे यहाँ 2 सर ने पढ़ा रखी है, अंशुमान जी सर ने और डॉक्टर भवानी जी सर ने, तो उनके वो 100 वीडियो बढ़ गए। इसके अलावा कुछ क्लासेज हमने जैसे एक बार पढ़ा दी तो प्रैक्टिस के लिए लगा रखी है, एक्स्ट्रा क्लासेज लगा रखी है, तो ऐसे करके ये संख्या इनकी 568 हो गई। बाकी अगर देखा जाए तो 400 सवा 400 क्लास के आसपास का पूरा इसका मैटर है। अब अपन बात करते हैं कि हमारे पास एग्जाम जो 18 जुलाई को है, तो मैं 18 जुलाई को तो उठा देता हूँ, मैं तो 60 डेज पे वर्क करता हूँ। कितने डेज पे, 60 डेज पे। अब आपको मेरी बात पे विश्वास करना होगा। देखो मैं पढ़ाऊँ और लिखाऊँ या समझाऊँ आपको, एक बार पूरा समझा दूँ फिर आपको कहूँ कि बेटा नोट कर लो, तो डबल टाइम लगता है, समझ गए। इसका मतलब है यदि मैं आपको लिखाऊँ नहीं, टाइम को ध्यान में रखते हुए यदि मैं आपको लिखाऊँ नहीं, केवल बोलूँ और समझाऊँ और ये कहूँ कि यहाँ से ये बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है, इसका सॉल्यूशन ये है, मतलब मैं पूरे सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट आपको ऐसा पढ़ाऊँ जिसमें लिखाऊँ नहीं और कुछ भी नहीं छोड़ूँ, तो 400 / 2 कितना हो गया, 200। तो यदि आप 200 क्लास लगाते हो और दिन की 3 लगाते हो तो कितने दिन में कोर्स होगा, 66 में। अगर 200 के अंदर दिन की आप क्लास लगाते हो, 4 लाइव क्लास लगाते हो, तो यह कोर्स आपके कितने दिन में होगा, 50 दिन में। अगर मान लो 5 घंटे रोज क्लास लगाते हो, तो यह आपका कोर्स कितने दिन के अंदर होगा, 40 दिन के अंदर।
40 दिन के अंदर भी कोर्स पॉसिबल है पूरा कंप्लीट। अब कैसे नहीं होगा लाइव क्लास के अंदर कोर्स, क्यों नहीं हो सकता पूरा? देखो हो रहा है ना, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सर इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे उसकी पैनल PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल हैं तो कोई तकलीफ भी नहीं है, ठीक है। कुल मिला के लिखाने वाला अगर काम नहीं हो तो आप आराम से इस कोर्स को 40 से 66 दिन में कर सकते हो, 60 दिन में इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उसकी कि सर सिलेक्शन की बात करते हैं कि 18 जुलाई को अगर एग्जाम हो तो क्या मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है, उसको भी अपन चेक कर लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम है टोटल 100, मतलब 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन आएंगे GK के और आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। चाहे कॉलेज में MSc करो, चाहे PhD करो, ठीक है, या फिर किसी ने 12th कर ली फिर आर्ट्स ले ली, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई बच्चा रनिंग 12th का हो सकता है। इसका मतलब ये कहूँ किसी ने MSc PhD कर ली, इसका मतलब है उसने 4 साल BSc की, 2 साल ये 6 और PhD कर रहे हैं मान लो, तो यूँ मान लेते हैं कि 12वीं का जो आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस था जिसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर आपका एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर एनिमल है, उसको पढ़े हुए इस बंदे को कितना टाइम हुआ, क्योंकि MSc PhD पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहा है। अब एग्रोनॉमी वाले हॉर्टिकल्चर क्यों पढ़ेंगे, वो एनिमल क्यों पढ़ेंगे, आज एनिमल उनको भी 6 साल ही हो गए पढ़े हुए, तो यूं कहें कि 12वीं का जो कोर्स है वो इनसे कितने साल दूर हो गया, लगभग अराउंड 6 साल। एग्रीकल्चर के कोर्स की बात करो, हिंदी जी के तो इनको भी नहीं आ रही। अब जो बच्चे 12th किए हैं आर्ट्स के, जिसने किसी ने 12th किए फिर BA की और BED कर ली और रीट की तैयारी कर रहा है, वो बंदा भी तो है, तो उस बंदे का क्या पोर्शन स्ट्रांग है, हिंदी और GK वाला पोर्शन उस बंदे का स्ट्रांग है, तो ये बंदा क्या करेगा इसको, अच्छा उसने BED कर ली, इसका मतलब 6-1 साल तो इसको कम से कम मान के चलू मैं कि 6 साल 6+ साल हो गई इसको क्या पढ़े हुए एग्रीकल्चर, क्योंकि इसका एग्रीकल्चर से ज़्यादा नाता नहीं रहा। आई बात समझ में? अब बात करते हैं रनिंग स्टूडेंट की, जो बच्चा भी एट प्रेजेंट करंट में रनिंग 12th जस्ट पास आउट हुआ है, यूं कह सकते हैं जिसको साल भर हुआ है, उस बच्चे की एग्रीकल्चर तो स्ट्रांग है, ये 60 क्वेश्चन तो स्ट्रांग है, लेकिन ये इनसे बिल्कुल अननोन है। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि आज की तारीख में जिन लोगों के बीच में कंपिटिशन होने वाला है उनके चाहे एज कुछ भी हो सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बराबर नहीं है, किसी की कुछ स्ट्रोंग है तो दूसरा वाला पॉइंट उसका लूज है। अब अपन देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि 100 में से कितने क्वेश्चन करने पे जो है बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलते हैं अपन कितने पे होगा। तो यूँ मान लो कि 100 में से अगर 80 क्वेश्चन आप करते हो और इंटू 3 करते हो तो आपके 240 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 240 नंबर, मतलब 240 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। कितने? 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने पे, पुरानी कट ऑफ को ध्यान में रखें अगर, तो अपना सिलेक्शन हो रहा है। अब अपने ये देखना है कि 80 क्वेश्चन हो सकता है, देखो पेपर इजी आए तो 80 की जगह 90 भी चली जाए और टफ आ जाए तो 75 या 70 भी चले जाए, डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल वो क्या रखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अपन एवरेज मान लेते हैं कि 100 में से 80 क्वेश्चन करने वाले बच्चे का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, हर बार जब परीक्षा में बैठते तो ऐसे लगता है पता नहीं इस बार क्या आएगा, इस बार क्या आएगा, और हर बार पुराने पेपर ऐसे लगते हैं यार पिछले पेपर में तो दम नहीं था, इस बार का पता नहीं क्या होगा। हर परीक्षार्थी को जब परीक्षा देने जाता है तो ये भाव मन में रहते हैं, लेकिन ये हमारा निजी अनुभव रहा है कि हर बार पेपर सिंपल ही आता है, डिपेंड करता है कि पेपर हाथ में आने के बाद में उस पेपर के लेवल के हिसाब से कौन अपना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके उस पेपर को देता है। जो बच्चा वहाँ गलतियाँ नहीं करता है, सिल्ली मिस्टेक नहीं करता, वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कई बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वहाँ जाके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं और उसकी वजह से वो रह जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि उन 2 घंटों में आपका पेपर करने का तरीका क्या रहता है, आपका माइंड लेवल उस टाइम क्या रहता है, उस पर लगभग चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि 100 में से 80 क्वेश्चन अपने को सही करके आने हैं। मान लो मुझे ये पेपर करेक्ट करना है तो मुझे 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने हैं। अब देखता हूँ मैं आज के तारीख में मेरे पास टारगेट है 80 क्वेश्चन और मेरे पास जो डेज है वो है मेरे पास, मैं 60 दिन ही मान रहा हूँ, एक बार कितने मान रहा हूँ कि मेरे पास 60 दिन है और मुझे जो है 80 क्वेश्चन का मैटर तैयार करना है। अब देखो मैं यूँ कहूँ
कि भाई मैंने तो फोरम लगा रखा है और मेरी तो 0% तैयारी, कुछ नहीं है, मुझे तो इन 60 दिन के अंदर ही पेपर करे करने हैं, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ, उससे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, वो तो परीक्षा देने नहीं जाए तो भी ठीक है, किराया भाड़ा बच जाएगा। लेकिन मैं यूँ मान के चलता हूँ कि जो परीक्षार्थी है, परीक्षा देने वाले, जिनको वास्तव में ही सिलेक्शन करवाना है, जिनके खून के अंदर सुपरवाइजर का नशा चढ़ रखा है, अगर ऐसे बच्चों को मैं काउंट करूं, तो उन बच्चों की स्थिति आज की डेट में यह है कि उनको एग्रीकल्चर, जीके प्लस हिंदी, इनके अंदर ये सभी बच्चे आज की तारीख में कोई चाहे पुराना पेपर दे दो, क्योंकि आज तो घोषणा हुई नहीं है, पिछले 12 महीने पहले ये पता चल गया था कि भाई कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति आ चुकी है, तो एग्जाम तो होना ही है, तो जिसको सिलेक्शन कराना उसकी कुछ तो तैयारी मानो। तो ये बच्चे ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के इस स्थिति में आ गए हैं कि आज 80 में से 50 क्वेश्चन सबको आते हैं। कितने आते हैं? 80 में से 50 क्वेश्चन सभी बच्चों को आते हैं, जिनको वास्तव में ही सिलेक्शन करवाना है। तो अब मेरे पास बच गए दिन कितने हैं, 60, और प्रॉब्लम कितनी है, 30। मतलब मुझे 30 क्वेश्चन राइट करने पे दिमाग लगाना है एक तरीके से। अच्छा, मैं आपको ये कतई नहीं कहना चाह रहा हूँ कि 100 में से आप 80 क्वेश्चन की तैयारी करना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पूरी तैयारी करने के बाद में 80 क्वेश्चन राइट हो अपने, उस पर काम कर रहा हूँ मैं, एक सिलेक्शन वाली कट ऑफ से कंपेरिजन कर रहा हूँ। अब अपने पास बच्चा है कि 30 क्वेश्चन का मैटर ऐसा हो कि अपन जो है कट ऑफ क्लियर कर जाए, समझना बात को, 60 दिन है मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 2 दिन में एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेता हूं जो कि मुझे नहीं आ रहे, भाई चावल का नाम क्या है सबको आ रहा है, गेहूं का नाम क्या है सबको आ रहा है, एकांतर फलन की प्रॉब्लम किस में पाई जाती है आपको सबको आ रहा है, अच्छा बेर में प्रूनिंग कब की जाती है आपको सबको आ रहा है, हरित क्रांति के जनक कौन है सबको आ रहा है, वर्गीस कुरियन कौन है सबको आ रहा है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन है सबको आ रहा है, आई बात समझो, सफेद मूछली का नाम क्या है आधों को आ रहा है आधों को नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि आपको पूरे सिलेबस में वो टॉपिक छांटने जो आपको नहीं आ रहे, जहां से आपकी मेरी डिसाइड होगी आपकी खुद की, तो जो चीजें पढ़ी हुई उनको तो एक बार खाली सरसरी तौर पे देखो, उन पे दिमाग लगाओ जो नहीं आ रही। 2 दिन में अगर आप एक क्वेश्चन भी तैयार करते हो तो आने वाले 60 दिन में आप 30 क्वेश्चन तैयार कर लोगे एक तरीके से, तो आपके पास 50, आज हर एक बच्चा सिलेक्शन करवाने वाला 50 के केस पे है, मतलब आपकी स्टार्टिंग 51 से होगी जो कि 80 क्वेश्चन तक सही होने पे जानी चाहिए, या आपकी गणित अगर इस तरीके से आप मान के चलते हो तो पहुंच जाओगे, लेकिन पूरा सिलेबस आपके दिमाग में हो। अब यदि किसी बच्चे को मान लो क्विक रिविजन करना है, ऑफलाइन बेस तो देखो चलेंगे नहीं, और अगर किसी को कि सर मुझे तो लगभग चीज़ें आती है लेकिन कुछ ऐसे मेरे पार्ट हैं जो मुझे धीरे धीरे ही पढ़ना है, मैं तो उनको लिखना और चाहता हूँ, तो रॉयल का जो ऐप है उसके ऊपर 568 वीडियो जो पढ़े आपके, वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ही पढ़े, आराम से पढ़ा रहे फिर बेटा नोट कर लो, ऑनलाइन में भी फिर पढ़ा रहे फिर नोट कर लो, तो ये 568 वीडियो थे वो उन बच्चों के लिए कि मुझे तो कुछ वीडियो को आराम से लिखना भी है, लिखाने वाला काम अभी, क्योंकि अब अपने पास टाइम कम है, तो अब जो बच्चे फटाफट रिविजन करना चाहते हैं उन बच्चों को वीडियो देखने का पूरा कोर्स लाइव एक तरीके से देखने का मौका भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बताओ क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? कई बार कंपटीशन एग्जाम में जब रिजल्ट आता है ना, तो ऐसा होता है कि जिसका सिलेक्शन होना होता है वो तो रह जाता है, और नहीं होना होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम से जस्ट पहले, आज के 12 महीने पहले आपको पूरी एग्रोनॉमी याद थी, लेकिन आज का केस क्या आपका एग्जाम वाले टाइम की आपकी क्या स्थिति है वो मायने रखती है। 12 महीने पहले आपको एग्रोनॉमी में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले आपकी पकड़ हो गई, तो वो 12 महीने पहले होशियार था वो तो हो गया पेपर के टाइम कमजोर, और जो कमजोर था वो एग्रोनॉमी में हो गया होशियार। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपकी चाहे तैयारी कैसी भी क्यों ना हो, अगर बढ़िया है तो आपको लगातार आने वाले 18 जुलाई तक उसको बढ़िया ही रखना है, उसको रोज धार देना है, और यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो एग्जाम से जस्ट पहले आप इसको बेस्ट कर सकते हो। आपका ये इंस्टीट्यूट वापस एक बार आप सभी के अनुरोध पे 5 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मात्र एक बार पुनः ये पूरा कोर्स आपको 1500 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। अब
₹1500 में कोर्स अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल काम है। लाइव क्लासेस देना, यदि रिकॉर्ड करके बंडल बना के देना हो तब तो कोई खर्चा नहीं, एक बार दिया हेडेक खत्म। लेकिन लाइव क्लास में हर बार दोबारा पढ़ाना पड़ता है, उसका स्ट्रीमिंग चार्ज लगता है, टेक्निकल कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए ये तभी पॉसिबल है, उसका कारण भी आप लोग ही है। आप लोगों ने जिस तरीके से संस्थान पे पिछले 12 महीने में ऑनलाइन स्टडी के ऊपर जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, उसकी वजह से हम आपको ये देने में कामयाब हो पा रहे हैं। इसलिए यदि आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हो तो हम भी आपको कम से कम चार्ज के अंदर ये पूरा कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं, मात्र ₹1500 के अंदर पूरी लाइव क्लासेज। मतलब ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, हम लास्ट तक लगे रहेंगे। किसी कारण से गलती से कोई क्लास आपने नहीं देखी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। रिलेटेड नोट्स, ये सभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन है, आपको वहाँ नोट्स मिल जाएंगे, DPP मिल जाएगी, एक्सरसाइज शीट मिल जाएगी, इसके अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा। इतने काम आपके जो हैं इन ₹1500 में होने वाले हैं। यदि आप में से कोई वास्तव में ही चाहते हैं कि सर मुझे सिलेक्शन करवाना है, जो आप कहोगे मैं वो कर लूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम का सदुपयोग करो, प्रॉपर कंटेंट पढ़ो, सही कंटेंट पढ़ो और लगातार पढ़ो और बिना टेंशन के पढ़ो। यहां चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, चिंतन करो कि आप बेस्ट कैसे कर सकते हो। यदि आपको हमारी क्लासेज बढ़िया लग रही है, सब कुछ हमारा ठीक लग रहा है, आप डेमो लेके देख रहे हो वो भी आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको ₹1500 का जो है रिस्क उठाना चाहिए। मिनिमम चार्ज में हम ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।